असम बल्दी हल्के चंद्रन गुट्टा हालिया बारिश और सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सैकड़ों लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाने से मकीनों की इमला का भारी नुकसान हुआ। ऐसे में कायद मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से मुतासरीन में जरूरी घरेलू अशिया मलबूसात और गजाई अजनास पर मुश्तमिल किट्स तकसीम कर रहे हैं। आज उन्होंने पहले मरहले के तौर पर 3000 खानदानों के लिए ऐसे किट्स मुतासर इलाकों को रवाना किए। मजलिसी कारपेंटर्स और सरगर्म कारकुन इस तकसीम की निगरानी करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए अकबर अवैसी ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे किट्स चंद्रन गुट्टे के तमाम डिवीजनों में वाकई हर घर को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मजलिस हर बुरे वक्त में आवाम के साथ खड़ी रही है। लॉकडाउन के दौरान भी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से हजारों लोगों में गजाई अजनास के किट्स और तैयार शुदा फूड्स की तकसीम अमल में लाई गई। ट्रस्ट की जानिब से पैकेज हम बनाए हैं और उस पैकेज के जरिए हम मुतासरीन में इमदाद तकसीम करेंगे, जिसमें खाने के अशिया जो हैं वो राइस है 5 किलो, आटा है 5 किलो, दाल है 1 किलो, ऑयल है 1 किलो और 500 ग्राम शुगर है, शक्कर है, नमक है 1 किलो, मिर्ची है 100 ग्राम, हल्दी है 100 ग्राम और फिर और एक साबुन भी हम दे रहे हैं इन चीज़ में। फिर उसके बाद घरों में बर्तन नहीं है तो उसका भी ख्याल करते हुए हमारे पैकेज में हम 2 भगोने दे रहे हैं, 4 प्लेट्स दे रहे हैं जिसमें खाना खाया जा सके और 2 कटोरे दे रहे हैं और 2 चमचे हैं, 3 गिलास हैं, 1 बकेट है, 1 मग है। ये खाने के सामान हैं। फिर उसके साथ साथ कपड़ा जो हम दे रहे हैं, मर्दाना ट्रैक सूट 1 दे रहे हैं, उसके साथ 2 टी-शर्ट्स दे रहे हैं और जनानी लेगिंग जो होती हैं लेडीज़ के लिए लेगिंग, वो 2 लेगिंग दे रहे हैं और 2 कुर्तीज़ दे रहे हैं, उसके साथ फिर 2 दुपट्टा दे रहे हैं, 1 ब्लैंकेट दे रहे हैं और फिर हम 1 बेडशीट दे रहे हैं, 2 मैट्स दे रहे हैं। मैट पहले 1 था, हमने और 1 बड़ा उसमें इजाफा किया और लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स भी हम इस पैकेज में दे रहे हैं और फिर उम्र रसीदा अगर कोई ख़वातीन हैं उनके लिए साड़ी भी दे रहे हैं और मर्दाना कुर्ता पैजामा भी हम दे रहे हैं, टवल भी दे रहे हैं, 1 लुंगी भी दे रहे हैं और 1 बड़ा बैग और 1 नाइट ड्रेस ख़वातीन का वो भी दे रहे हैं। और अगर किसी के घर में अगर बच्चे हैं तो बेबी अगर लड़की है तो वो लड़की का छोटी बच्ची का भी 1 बेबी ड्रेस दे रहे हैं और अगर बेबी बॉय है बच्चा है तो उस बच्चे के लिए भी हम 1 ड्रेस दे रहे हैं। तो ये जो सारा पैकेज है जिसमें खाने का सामान है, पहनने का सामान है, फिर सोने के लिए शतरंजी ये भी है और उसके साथ साथ पकाने का भी बर्तन भी है, तो ये पूरा पैकेज 5000 इसकी लागत है और पहले फेज में हम 3000 फैमिलीज में ये तकसीम करेंगे और इसकी तकसीम के लिए हमारे सुदूरों मुतमदीन और हमारे सरगर्म कारकुन और हमारे कॉरपोरेटर्स को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो हर गली से मुस्तहक गरीब लोगों की निशानदेही करेंगे और उनकी फहरिस्त उनके तफसीलात जमा करके लाएंगे। पूरी इंक्वायरी करने के बाद हम उनको टोकन देंगे और वो टोकन लेकर जब आएंगे तो ये पूरा पैकेज हम उनको हवाले करेंगे। तो ये एक सिस्टम हम बनाए हैं, ऐसा नहीं कि बस जा रहे हैं हर घर में देंगे, नहीं, हमारी टीम जाएगी, इंक्वायरी करेगी, सब देखेगी और मुस्तहक ज़रूरतमंद परेशान हाल लोगों की मदद करेंगे। और फिर इसके बाद भी जिस दिन से तूफ़ान आया उस दिन से हम दूध तकसीम कर रहे हैं रोज़ाना और ब्रेड डबल रोटी भी तकसीम करते रहे 1 लीटर। तो हमने 3 दिन में
इस हिसाब से हजारों 6,000 घरों में हमने दूध और ब्रेड तकसीम किया, और उसके साथ ही साथ आज तक भी सिलसिला जारी है। हर बल्दी डिवीज़न में मुख्तलिफ मुकामात पर खाना भी पकाया जा रहा है और दोपहर का और रात का खाना भी तकसीम किया जा रहा है। इसके लिए अब तक सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने करीब 20 हम करीब 18 लाख रुपया अब तक हमने इस पे सर्व किया है, खाना तकसीम में, ब्रेड में, दूध में, इसमें। और फिर आगे भी हमारा पानी, हमने पानी भी तकसीम किया क्योंकि पानी का भी मसला था, तो पानी भी तकसीम करे घरों पर जाकर, ब्रेड, मिल्क, लंच और डिनर भी तकसीम करे हैं। और इसके अलावा कई लोग दूर दराज के इलाक़ों से भी बाबा नगर में आकर खाने तकसीम किए, ब्लैंकेट तकसीम किए। कई तंजीमों ने रजाकाराना तौर पर, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी जानिब से मेरे हलफ़े असम्बली में जो भी आप तकसीम करते थे, कर सकते थे, किया। बाज़ लोगों ने कैंडल भी दिया, बाज़ लोगों ने खाना दिया, और हमारी जानिब से भी हम अब तक ये ब्रेड, मिल्क, पानी, लंच, डिनर के साथ साथ कई घरों में ब्लैंकेट्स भी हमने तकसीम की, शतरंजियाँ भी हमने तकसीम किया, और फिर उसके बाद में मर्दाना लिबास भी हमने तकसीम किया, जनाना लिबास भी हम तकसीम करें, मुसलसिल हम करते जा रहे हैं। और फिर अब आगे हमारा एक बहुत बड़ा ये फ्लड रिलीफ का एक के हमारे हलके असम्बली चंद्रायन गुट्टा में करीब 27 मसाजिद भी इसमें बारिश की वजह से नुकसान हुआ। कई मसाजिदों को साफ़ किया गया है और कई मसाजिदों को साफ़ करना है। तो सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने फ़ैसला लिया कि सारे 27 मसाजिद में जानेमाजों का इंतज़ाम हम करेंगे, जिसके लिए करीब 3-3 जो लाइंस होते हैं, सफ जो होते हैं, वो उसके जानेमाज का भी इंतज़ाम हमने किया है। उन मसाजिदों को जानेमाज भी हमारी तरफ से हम देंगे, और भी मसाजिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए अगर कुछ और भी अगर काम बारिश की वजह से अगर कुछ नुकसान हुआ है मस्जिद का, अल्लाह के घर का, तो वो भी मुकम्मल काम सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से हम टेकअप करेंगे और उसको करेंगे। और उसके साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि कई पानी की वजह से घर मुतासर हुए, घरों का सामान मुतासर हुआ, उसके साथ ही साथ कई घरों के बाहर ऑटोस थे उसका नुकसान हुआ, कई